हाँ, योर कॉस्ट शीट इलस्ट्रेशन 3 फ्रॉम योर मॉड्यूल जो इम्पोर्टेंट है और उसमें ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। अर्नव इंस्पात उद्योग लिमिटेड हैज़ फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट रॉ मटेरियल परचेस्ड, GST paid on above purchases 18%, eligible for input tax credit। अभी ये क्या कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट ध्यान दो। अभी सब IMP पार्ट्स बोल के तुमको लिख के लेने हैं। चैप्टर 1/6 के वहां पे जाओ, स्टार्टिंग में जो भी तुमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए पेजेस छोड़े वहां पे लिखना है। ध्यान दो, सिर्फ लिखने को बोलूंगा जब। अभी जब कॉस्ट शीट में जाते हो, सबसे पहले कॉस्टिंग के 3 एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर, ये 3 एलिमेंट्स है बेसिकली। फिर इस एलिमेंट के अंदर पहला जो मटेरियल है, अभी मटेरियल कॉस्ट में क्या लेना चाहिए, तो मटेरियल कॉस्ट में GST लेना कि नहीं लेना, ये क्वेश्चन है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो GST कॉस्ट है या नहीं है। तो सपोज मैं होटल में जाता हूँ, 100 रुपये का खाना खाते अपन AC हॉल में जाके बैठ के। अगर होटल में AC है तो तुमको GST लगता है 18%, अगर होटल में AC नहीं है तो GST लगता है 5%। ठीक है सर, क्या करेंगे, AC होटल में जाएंगे उसको AC बंद करने लगेंगे। बाहर वालों को लगता हो क्या भरी है और अपन AC बंद कर, 5%। वैसा नहीं, AC लगा दिए और नहीं चल रही तो भी 18% लगता। ठीक है, हाँ समझे। हाँ, वो सिर्फ रेस्टोरेंट की बात चल रही, बाकी किधर की नहीं बात चल रही। तो 118 रुपये बिल हुआ, ठीक है, तो तुम उधर कितना रुपए पे करते हैं? 118 118, क्यों? तो GST अपन गवर्नमेंट को देना है। ये होटल वाला कौन है, कौन सा गवर्नमेंट है? तो ऐसा 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 करके इनडायरेक्ट। नहीं तो मैं उसको दिया वो, मैं देखो तो 100 रुपये दे रहा ना। अरे तो वो कहा, सौ रुपए में खाना पीना एसी सब आ गया, 18 क्या है वो उसका है क्या? हाँ कौन बोले? हाँ वेरी गुड। सो 100 रुपए जो पे हुआ वो तुम खाने पीने और सर्विस के, एसी बीसी सब आ गया उसके अंदर। 18 रुपए जो दे रहे हो ये टैक्स है। तो एक्चुअली तुम ऐसा बोल सकते हो लीगली, क्या बोल सकते हो लीगली, 100 रुपए तू रख काउंटर पे, खड़े खड़े उसको बोलना तेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को मैं 18 रुपए पे कर रहा हूं। अलाउड होगा क्या? यस अलाउड है। ठीक है, तुमको ज्यादा कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता GST पोर्टल पे, ये एन वो उसका नंबर, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जब तक डिनर आ जाता लंच के टाइम में। तो तुम क्या बोलते हो कि भाई मैं गवर्नमेंट को पे करने से अच्छा तुम सामने वाले को क्या बोलते, ये ले 100 रुपए, ये ले 18 रुपए, तू 118 रख ले। ओके, तो तुम्हारे लिए मम्मी पापा ने पूछा अगर आज खाने पे कितना खर्चा हुआ, तो तुम जवाब में क्या देंगे, 100 या 118? 118। तो GST कॉस्ट है क्या? है, तो GST कॉस्ट है, बट कब कॉस्ट है? जब उसका इनपुट नहीं मिलता, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता तब तो कॉस्ट है वो। नाउ व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? यस इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस क्या है? ओके, किसी के यहाँ पे है पेरेंट्स का बिजनेस? कितने लोगों का है पेरेंट्स का बिजनेस? किसी को पता है कि वो GST रजिस्टर्ड है? ओके,
अब शांति से सुनो, इनके शक्ले बाकी वाले लोग अच्छे से याद रखो, क्योंकि ये तुमको 18% डिस्काउंट देने वाले हैं। कैसे? जब भी तुमको फोन खरीदने का है, मोबाइल फोन ये वो कुछ भी खरीदने का है, क्या करने का? अब शांति से समझो, काय का बिजनेस है? किसी एक का पेरेंट का पकड़ेंगे अपन बिजनेस, काय के मतलब कपड़ा रहता क्या? हाँ ओके, कपड़ा मार्केट। हाँ तो अभी सपोज इनके कपड़े का बिजनेस है, इस कपड़े के बिजनेस में उन्होंने कपड़ा बेच रहे। अब शांति से पकड़ो कैसा हो रहा, ये इनका शॉप, यहां पे कस्टमर गया, कस्टमर ने इनके दुकान से कपड़े खरीदे। सपोज कपड़े का बिल हुआ 10,000, अभी इसके ऊपर जीएसटी, ठीक है? एक्चुअली कपड़े के केस में तो जीएसटी लग बिक के आ जाता है, उसके हिसाब से प्राइस रहती है। चलो 2 मिनट के ऐसा पकड़ते हैं, रेडीमेड कपड़ा है तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से रेडीमेड कट रहा 12, कितना है इसको क्या पता। ओके तो चलो एक अंदाजा पकड़ लेते, 12, 12%। तो 12% मतलब कितना? 1200। ओके अब शांति से, 10,000 के कपड़े खरीदे, 1200 का टैक्स हुआ, तुम इनके शॉप को कितना रुपए पेमेंट देंगे? 11,200। बट इनको कितने रुपए रखना अलाउड है? सिर्फ 10,000 ही रखना अलाउड है, 1200 ये इनके पास आए तो सही, बट ये किधर जाने चाहिए? गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। इन्होंने एज अ ट्रस्ट फॉर्मेट में लिया है, एज ए इन्होंने ट्रस्ट फॉर्मेट में गवर्नमेंट को क्या बोला, तू चिंता कर छोटे, मैं पैसा जमा करके देता हूं। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए मैं बताता हूं, तुमने 10,000 का खरीद लेना इनके दुकान से, 1200 रुपये गवर्नमेंट को दे देना। अब इमेजिन करो, अभी इनके दुकान में दिन में कितने कस्टमर आते रहेंगे? 500,000। अब 500,000 लोगों से पैसे जमा करना इजी है या एक से? एक से। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, मैं 500 लोगों से कहाँ जमा करते बैठूंगी चिल्लर काम है। काम कर, 500 लोगों के पैसे तुझ रख, और महीने के एंड में क्वार्टर के एंड में मेरे को मेरा मेरा हिस्सा वापस देते जा। तो तुमने ऐसे, अब इसने क्या कर लिया, कपड़े की दुकान में बेचे 1200 रुपये रख लिए, ऐसे 50-100 कस्टमर आ गए। अभी सपोज 100 कस्टमर आ गए तो कितने पैसे जमा हो गए? 1,20,000 जमा हो गए। अभी ये किसको देने के? गवर्नमेंट को। इधर तक किसी को इशू है? इधर तक किसी को इशू नहीं है। अब व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स मींस? हाँ, गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं पे, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली कस्टमर से वसूल करना, बीच में के लोग नहीं देना। अब क्या होता है, इन्होंने जैसा तुमको कपड़ा बेचा, इन्होंने किसी ना किसी से तो खरीदा भी तो रहेगा, बराबर? अब ये जो कपड़ा इन्होंने खरीदा, सपोज ये इन्होंने 80,000 में खरीदे थे, 12% इसके ऊपर भी टैक्स लगा रहेगा, 80,000 के ऊपर 12%, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, सपोज 8 लाख करते, रुको, 8 लाख का 12%, ₹96,000। अब शांति से, जब इन्होंने सामने वाले से खरीदे 8 लाख रुपए पेमेंट करके, 96,000 का जीएसटी इन्होंने भी पे किया, किसको? इसको, गवर्नमेंट को। तो ये बोलता भाई मैं क्यों पैक, इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेट कस्टमर पे करता है, बीच में का कोई भी पे नहीं करता, अल्टीमेट कस्टमर पे करता। तो इसके पापा क्या बोले, हम तो कस्टमर है ही नहीं, हमारा तो नीचे भी कस्टमर है, तो हम पे क्यों करें? गवर्नमेंट को बोल रहे, हम पे क्यों करें, हमारा तो टैक्स ही नहीं है, टैक्स इसने पे करना, कस्टमर ने, हम कस्टमर है क्या?
नहीं है, हमारे भी नीचे कोई ना कोई तो कस्टमर है। हम इतने 8 लाख के कपड़े हम थोड़ी पहनने वाले हैं, तो भाई जिसको पहनना उसने पे करना, तो हम क्यों पे करें। ते बोलते व्हाट्स, 2 मिनट का ब्रेक, तो तूने क्या करना कि 96,000 जो तूने पे किए ना तू याद रख, सिर्फ हिसाब में रख। तो बोलते ठीक है हिसाब में रखता, तो इसने 96,000 इसके पप्पा ने हिसाब में याद रखा। फिर ये जैसे कपड़े आए बेचे, बेच बेच के इसके पापा के पास कितने पैसे जमा हुए, 1,20,000। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही, आई ऐसा वो कुत्ते के है 1,20,000, 1,20,000। तो अभी गवर्नमेंट इसको 1,20,000 मांगने को आए, अभी इसके पापा बोले वत्स, अब ब्रेक क्यों। तो पहले क्या बोला था, 96,000 के हिसाब में याद रख। हाँ हिसाब रखे अपन, हाँ याद है अपने को। सो 1,20,000 अपन ने कस्टमर से जमा करे, 96,000 मैंने पे किए थे, जबकि मैं कस्टमर नहीं हूं तो मैंने पे नहीं करने चाहिए थे। तो गवर्नमेंट बोलती ओके, तेरे तेरे 96,000 तूने दिए थे ना, वसूल कर ले, चल अपना अपना हिसाब माइनस, इसमें से 96,000 तो बचे कितने, सिर्फ 24,000 पेमेंट करना किसको, गवर्नमेंट को कितना पे करना, 24,000। समझा कि नहीं। तो गवर्नमेंट को सिर्फ 24,000 पे हो गया। अभी ये याद रखो, मेरा ये क्वेश्चन सुन के हाँ या ना में जवाब देना, कि यहां पे जब खरीदे, यहां पे जो खरीदे, इसके पप्पा का कॉस्ट कितना, 8,96,000 या 8,96,000। एट लैक्स, नॉट 8,96,000। क्यों, 8,96,000 में से तो 96 तो वसूल हो गए ना बाद में, तो खर्चा कितना हुआ। भले ही इसके पप्पा ने 8,96,000 पे करे, 96,000 तो बाद में वसूल हो गए, तो बच्चे कितने, 8 लाख। अब इसका और एक एग्जांपल देता हूं शांति से, पर इसके लिए ना बचपन जीना चाहिए तभी तो पॉसिबल है ये एग्जांपल। कभी वो थम्सअप की बोतल खरीदे कांच वाली, ओके हाँ, तो अभी घर पे मेहमान आए कुछ आए, तो वो भागते भागते जाने का बेकरी में से उसको वो कांच के बाटला लेके आने का। फिर वो कांच के बाटले का एक रूल था, क्या था, फिर से वापिस, हाँ नहीं दिए तो, हाँ सपोज वो थम्सअप है 15 रुपए का, तो वो 20 रुपए ले लेते थे और बाटली वापिस किए कि 5 रुपए वापिस, तो अल्टीमेटली थम्सअप कितने का, या 20। अभी तुम 8,96,000 बोल रहे थे, वो लोग दिमाग से ध्यान रखो, तुमने 8,96,000 बोले तो उसमें से 96 वापिस मिल रहे ना, तो थम्सअप की बोतली जैसा है, 20 रुपए की थम्सअप की बोतल खरीदे, बॉटल वापिस देके 5 रुपए वापिस मिल गए, 15 रुपए कॉस्ट लगा, तो वैसे हिसाब से कॉस्ट कितना है, 8 लाख। तो उसे जीएसटी कॉस्ट है क्या, इसके पप्पा ने जो पे किया था, नहीं है। ऊपर तो होटल के टाइम पे हाँ बोले और इसके टाइम पे ना बोले। तो तुमको एक क्वेश्चन पूछना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, अभी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है मतलब ये हिसाब में याद रखना अलाउड है क्या, ये हिसाब में से माइनस करना अलाउड है क्या, ये गाउटी शब्द हो गया, हिसाब में याद रखो, तो उसको प्रॉपर टैक्स के भाषा में क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जितना परचेस के टाइम तुमने पे किया जीएसटी, परचेस के टाइम जितना पे किया जीएसटी उतना सेल वाले जीएसटी से माइनस। समझा क्या, परचेस के टाइम का जीएसटी सेल के जीएसटी से माइनस और बचा कुचा गवर्नमेंट को पे, ओके हाँ। अगर तुमको एग्जाम में सिर्फ इतना पढ़ने का है, जीएसटी दिया पढ़ते कॉस्ट कॉस्ट नहीं चिल्लाने का, पहले देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो नो कॉस्ट, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है तो कॉस्ट है, ऐड करना है। झपा पक्का, ओके। तो अब क्या करना, अब मैंने बोला था ना इनके इनका याद रखो शक्ले, अब तुम मोबाइल खरीदेंगे बराबर, मोबाइल खरीदते सपोज मोबाइल है 40,000 का, 18% जीएसटी एक्चुअली इंक्लूसिव होता है, तो 6,000 टैक्स आ जाता है उसके ऊपर, तो 40,000 के मोबाइल के ऊपर कितना टैक्स है,
6,000 का गवर्नमेंट टैक्स पे कर रही है, बराबर। अगर ये मोबाइल तुम खुद से परचेस करने के बजाय बिजनेस के नाम से परचेस करे, जिनका भी पापा का बिजनेस है जीएसटी वाला, अगर उनके बिजनेस में परचेस करे तो क्या होगा, गवर्नमेंट को बोलेंगे 6,000 हिसाब में याद रख, क्योंकि मैंने अभी पैक किया है। और जैसे ही तुम कस्टमर को बेच बेच के जीएसटी जमा करेंगे, उसमें से 6,000 माइनस, तो बेसिकली तुम्हारा फोन तुमको 40,000 का कितने में पड़ेगा, 34,000 रुपीज में पड़ जाएगा, 6,000 डिस्काउंट। अमेजॉन सेल एंड दिवाली धमाका वगैरह कुछ वेट करने की जरूरत नहीं है, अपने पास हमेशा धमाका बोलने का, 15% कभी भी ऑफ होता। हाँ, सो बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे जीएसटी पेड ऑन अबव परचेसेस 18 पर एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब क्या कॉस्ट है कि नहीं है, कॉस्ट शीट में ऐड करना कि नहीं करना, वेरी गुड, जाओ स्टार्टिंग के पेज पे लिखो। फिर लिखा के दिया था, ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया था अपना, हाँ ठीक है, लिखा के दिया था, चलो अच्छी बात। हाँ ये बॉयज गए थे और सिर्फ गर्ल्स को लिखा के दिया था, ऐसा कुछ तो हुआ था। वो तू तो क्लास में था ना, हाँ ठीक है लिखो। लिखो, जीएसटी इज अ कॉस्ट, जीएसटी इज अ कॉस्ट इफ, जीएसटी इज अ कॉस्ट इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। अब वो आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट लिखो भाई, नहीं तो बाद में बोलेंगे शेयर, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। नहीं तो एकदम ऐसा मस्त सा चार्ट बनाओ ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन जीएसटी, यस नो कॉस्ट, नो कॉस्ट, झालं झालं झालं। एक नंबर, ये देखा ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट, वो चिट्टा लाओ दे मस्त काम आता कभी कभी, तेज तेले आमिर झाले तुम्ही। नेक्स्ट, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट मतलब भाड़ा, इनवर्ड मतलब लाने के लिए। तो जैसा असेट के टाइम में तुमने पढ़ा रहेगा फाउंडेशन के टाइम पे, असेट पुट टू यूज तक पूरे खर्चे असेट में कैपिटलाइज करते, इंस्टॉलेशन चार्जेस असेट में ऐड करते, वैसा ही रॉ मटेरियल गोडाउन तक आने तक के खर्चे रॉ मटेरियल के रहेंगे। तो फ्रेट इनवर्ड किधर ऐड होता है, मटेरियल में, अपन करें ना इसे कॉस्ट शीट में बहुत बार। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, कंट्रीब्यूशन पेड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज पीएफ एंड ईएसआईसी। अभी शांति से, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो गए। पहले तो व्हाट इज पीएफ ईएसआईसी, प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। अभी एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस निकालना भी उसके ही बिजनेस का काम हो गया, एंड उनका प्रोविडेंट फंड। व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, किसको पता है,
अब शांति से, सपोज एक आधा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है 1 लाख रुपए महीना, ओके okay. अब 1 लाख रुपए जब महीना सैलरी होती है तो उसके ऊपर पीएफ कटता है 12%, 12.5%। तो अभी ये 12 12.5% जो कटता है ना, एम्प्लॉयर एक पे करता है, एम्प्लॉई एक पे करता है। अब शांति से, ये कंफ्यूजन हो सकता है तो शांति से, यहां पे 1 लाख रुपए जब भी इसकी सैलरी पे होगी, इसके अगेंस्ट पीएफ पे होगा। पीएफ एक पे करेगा एम्प्लॉयर, और एक पे करेगा एम्प्लॉई। कितना परसेंट? 12%, 12.5%। तो सब 12.5% पे हो रहा है पीएफ। अभी ये एम्प्लॉयर मतलब बिजनेसमैन, तो 1 लाख का 12.5% 12,000, और एम्प्लॉई 12,500, ऐसे 25,000 जमा हो जाएंगे। अब शांति से यहां पे समझना, मैं सपोज एम्प्लॉयर, तुम सब एम्प्लॉयज, ठीक है? हाँ, तो अब क्या हो गया, मैं तुमको सैलरी बोल के 1 लाख रुपए दिया। अब 1 लाख रुपए देने के बाद, जैसे ही तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, तुम्हारे नाम का एक अकाउंट ओपन करूंगा गवर्नमेंट के पास, पीएफ अकाउंट, पेंशन अकाउंट, ठीक है? तो उसके अंदर मैं तुम्हारे नाम के 12,500 मैं डिपॉजिट करूंगा। पैसे तुम्हारे हैं पर डिपॉजिट मैं कर रहा हूं। ये तुमको कब मिलेंगे? रिटायरमेंट के टाइम पे। तो 12,500 रुपये मैंने तुम्हारे नाम के उसको डिपॉजिट, मुझे खर्चा कितना लगा तुम्हारे ऊपर? अबे जीरो क्यों खर्चा, ये 1,12,500, 1 लाख तुमको दिया, 12,500 मैच दिया, तो मेरे जेब से गए कितने? मेरे जेब से 1,12,000, 1 लाख तुमको गए, 12,500 इधर गए। तो भाई अगर तुम नहीं रहते तो वो पे में क्यों करता था? सिंपल, तो वो पे भी नहीं करता था मैं। और वो 12,500 किसको मिलने वाले, मुझे या तुमको? तो तुमको मिलने वाले, तो ये तो मेरे लिए खर्चा हो गया। तो एम्प्लॉयर जब पे करता है, एम्प्लॉयर जब पे करता है तो ये कॉस्ट है, पर एम्प्लॉई जब पे करता है वो कॉस्ट अब क्यों नहीं है? शांति से, अब उस अकाउंट में 12,500, 12,500 मैंने डाले एम्प्लॉयर ने, 12,500 कौन डाल रहा? अभी तुम डाल रहे, तुम्हारे तुम्हारे अकाउंट में। अब तुम्हारे अकाउंट में कैसे डाल रहे तुम इस 1 लाख में से, तुम इस 1 लाख में से क्या कर रहे हो, 12,500 रुपए इधर दे दे रहे हो, और बचे कितने फिर? 87,500, 87,500। अब शांति से, बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते, बच्चों को क्या लगता सर 12,000, 12,500, 25,000 कॉस्ट, वैसा नहीं। मैं तुमको 1 लाख रुपए दे रहा हूं और तुम्हारे लिए 12,500 मैं ही पे कर रहा हूं। अभी इस 1 लाख रुपए के तुम क्या कर रहे हो, मुझे क्या है? तुम 1 लाख रुपए का घर बुक करो, गाड़ी बुक करो, पीएफ अकाउंट में डालो, एफडी में डालो, शेयर मार्केट में डालो, उससे मुझे कुछ संबंध नहीं है। हाँ, बट ये इसमें से उधर जा रहे। अगर क्वेश्चन में तुमको ऐसा दिया, क्या बोला, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कॉस्ट एम्प्लॉयर कॉस्ट है, ओके? ये समझा कि नहीं? क्योंकि अल्टीमेटली मैं कितना पे कर रहा हूं, बिजनेस कितना पे कर रहा है, बिजनेस क्या? अभी उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है। सीटीसी एक कॉन्सेप्ट रहता, बेस एक रहता, बेसिक्स प्लस डी एक रहता। अब मैं तुमको कन्फ्यूज करने के लिए नहीं कर रहा बोल के तुम उछू बिच। विल मीट आफ्टर क्लास, बाहर मिल तू, मतलब क्लास के बाहर समझाता ऐसा। बाकी बच्चों को कंफ्यूज नहीं करते, मैं तर मुझे तेरा डाउट समझ में आ गया। किसको किसको ये डाउट है? हाँ, क्या? हाँ,
ओके हाँ, शांति शांति शांति। अब हाँ चलो, अच्छी बात है, इतने लोगों को डाउट है तो सबका एक साथ कच्चा चट्टा समझा देते। हाँ, अभी फास्ट फॉरवर्ड, यहाँ से 5-6 साल आगे चले गए, सीए बन गए। अभी तुम एक जॉब का डिस्कशन कर रहे, इंटरव्यू इंटरव्यू तगड़ा तोड़ हो गया, मालिक के साथ बैठे, अब डायरेक्ट सैलरी की बात चल रही। अब सैलरी की बात चलते समय दो दो सैलरीज बात होती है, इन हैंड सैलरी एंड सीटीसी। व्हाट इज सीटीसी? कॉस्ट टू कंपनी। अगर मैं सीटीसी बोलता हूं, तुम्हारी सीटीसी क्या है, तो तुम जवाब देंगे 1,12,000। मेरी पगार कितनी है? 1,12,500। बट इन हैंड अगर मैं पूछता हूं, इन हैंड तो है 87,500। ये डिफरेंस है कि तुम सैलरी का कौन सा नाम बोल रहे हो, इन हैंड कितनी सैलरी है या सीटीसी कितनी है। अगर सीटीसी बताना है 1,12,500, अगर इन हैंड की बात कर रहे हैं तो 87,500। अभी इन दोनों का पांच कितने का फर्क है? 25,000। तो ये 25,000 किधर गए? पीएफ में। तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मेरी सैलरी 1,12,500 है, इसमें से 25,000 पीएफ में कट गए और हाथ में कितने आ गए? 87,500। अभी एग्जामिनर तुमको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए 1,00,000 का फिगर देता है। अभी ये 12.5% किसी ना किसी के ऊपर तो लगाने पड़ेंगे, किसके ऊपर लगाते? 1,00,000। इसको बोलते बेस सैलरी, बेसिक्स प्लस डीए या बेस सैलरी। तो बेस सैलरी 1,00,000, इसके ऊपर 12.5% पीएफ, और ये पीएफ फिर पे करेगी कंपनी, किसको? गवर्नमेंट को। पर ये किसको पे कर रही? गवर्नमेंट को, तुम्हारे लिए पे कर रही। तो कंपनी क्या बोलेगी, मेरे को तो खर्चा कितना है? 1,00,000 प्लस 12,500, 1,12,500। नाउ कंफ्यूजन तुमको ये क्रिएट हो रहा कि सैलरी कौन सी है, ठीक है? तो सैलरी तीनों भी है, 1,00,000 भी सैलरी है, 1,12,500 भी सैलरी है, इन हैंड भी सैलरी है। 1,00,000 को क्या बोलते हैं? बेसिक सैलरी। सीटीसी 1,12,500, इन हैंड 87,500। अगर तुम्हारी शादी है और तुमको मार्केट में बताने का है, सीटीसी बताना। अगर घर पे कोई पैसे ही तुमको मांग रहे, बोल रहे इधर इधर खर्चा हो रहा, इन हैंड सैलरी बताना, ठीक है? और कंफ्यूजन क्रिएट करना है, बेसिक सैलरी बता देना। द क्वेश्चन इज इनवैलिड माय दोस्त। बीवी को बताना नहीं, उसको पता है उसमें से तुझे कितना मिलने वाला है, इस इन हैंड का हैंड में कितना मिलने वाला है तेरे, वो डाउट है। हाँ यस, प्रोविडेंट फंड भी दो बार दो, एक एम्प्लॉयर पे करता है, एक एम्प्लॉई पे करता है। हाँ, अब बहुत बार क्या होता कि एम्प्लॉयर तो 12,500 पे करता है, अब एम्प्लॉय भूल जा सकता है, तो एम्प्लॉय खुद ही बोलता है कंपनी को, मैं भूल जाऊंगा तो तुम क्या करो, मेरे बिहाफ पे तुम ही कट करके तुम ही डालो, वैसे भी तुम ही पे कर रहे, मैं डबल डबल पे क्यों करूं? अब समझा? हाँ, तो बेसिकली पेमेंट कंपनीज कर देती है, बट तुम चाहे तो तुम कर सकते हो, पर तुम ये सिर्फ ये वाला। हाँ, ऐसा करो, कंपनी को बोलो तुम भी ये दे दो, मैं भर देता, धन धन भराते उन्होंने फिर, तो वैसा अलाउड नहीं है। हाँ, ये तुम्हारे भरना नहीं भरना वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है? तो ये उनको भरना पड़ता, वो भर के कट करके तुमको 1,00,000 रुपए देते। अभी 1,00,000 में से तुम 12,500 पे करके 87,500। अभी तुमको डबल डबल काम नहीं लगना बोल के जनरली पूरे 25,000 कंपनी खुद कट करके लगाती है। हाँ, सो ये होता है बेसिक प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल एंड क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स। ये तीनों एंगल्स अलग अलग इस तरीके से काम करते। प्रैक्टिकली कुछ अलग ही होता है सिस्टम, क्योंकि वो मार्केट में ईजी होना चाहिए, उस सिस्टम से चलता है। ओके, ये समझा क्या? लिखो आराम आराम से। पहला क्या बता रहा हूँ? हाँ, पहले लिखो बाबा। क्या लिखते हैं? इफ योअर कॉस्ट टू कंपनी, सी टी सी सैलरी,
इफ योर कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी सैलरी, कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी सैलरी इज 1,12,500, उसके नीचे बेसिक सैलरी 1,00,000, इन हैंड सैलरी 87,500, 87,500, अब लिखो उसके नीचे कंपनी एम्प्लॉई को, कंपनी एम्प्लॉई को एक लाख रुपए सैलरी देगी, 1,00,000 रुपए सैलरी देगी, एक लाख रुपए सैलरी देगी एंड 12,500 रुपए, 12,500 रुपए गवर्नमेंट के पास पीएफ, गवर्नमेंट के पीएफ में डिपॉजिट करेगी, गवर्नमेंट के पीएफ में डिपॉजिट करेगी, गवर्नमेंट के पीएफ में डिपॉजिट करेगी। फुल स्टॉप। कंपनी को खर्चा 1,12,500, कंपनी को खर्चा 1,12,500, पैरा चेंज, एम्प्लॉई खुद से 12,500 पीएफ में डिपॉजिट करेगा, एम्प्लॉई खुद से 12,500, एम्प्लॉई खुद से 12,500 पीएफ में डिपॉजिट करेगा। उसके पास बचेंगे 87,500, 87,500। ओके हाँ, नाउ उसके नीचे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ कॉस्ट है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ कॉस्ट नहीं है, ब्रैकेट में लिखो एप्लीकेशन ऑफ सैलरी, एप्लीकेशन ऑफ हिज मनी, एम्प्लॉई का पीएफ खर्चा नहीं होता है, एम्प्लॉयर का पीएफ खर्चा होता है। नाउ इसके अंदर और एक झोल हो गया यहां पे, क्योंकि यहां पे इंग्लिश का वर्डिंग में चेंज हो गया कि तुम कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश कितनी, अभी देखो इधर क्या बोला है, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टूवर्ड्स एम्प्लॉयज पीएफ एंड ईएसआई, अभी ये खर्चा है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि यहां पे यूज किया है वर्ड टूवर्ड्स, तुम क्या बोल रहे सर, एम्प्लॉयज पीएफ एंड ईएसआई, अभी क्या लिख के दिए सर तुम, एम्प्लॉई एम्प्लॉई कॉस्ट नहीं है, तो सर यहाँ पे कॉस्ट है कि नहीं है, कॉस्ट है क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, टूवर्ड्स, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टूवर्ड्स एम्प्लॉयज पीएफ, एम्प्लॉय के लिए अगर मैं कुछ पे कर रहा हूं, यस कॉस्ट है,
तो ये कॉस्ट है कि नहीं? यस इट इज अ कॉस्ट, 3,60,000। नेक्स्ट, प्रोडक्शन बोनस पेड टू द फैक्ट्री वर्कर्स, रॉयल्टी, रॉयल्टी मैंने लिख के दिया था तुमको इसके पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो ऐसे बहुत सारे लोग क्या बोल सकते, हाँ ये एक मिनट वही चाह रहा, दो मिनट, अरे हाँ यहाँ पे आएंगे डायरेक्ट, मतलब तुमको कौन सा कहाँ पे वो समझ में आ जाएगा, चुप घिस घिस नहीं खेलने का है। तो यहाँ पे क्यों लिए वो एम्प्लॉयर्स, ये यहाँ पे तक पहुँच गए थे अपन, प्रोडक्शन बोनस एम्प्लॉय को बोनस पे किया, अपने लिए कॉस्ट है ले लिया। रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब एक आधी चीज़ बनाने के लिए तुमने कुछ जिससे सीखे उसको कुछ पेमेंट दे रहे, तो ठीक है रॉयल्टी पेमेंट। अमाउंट पेड टू पावर एंड फ्यूअल, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न, मोल्ड एंड पैटर्न का एग्जाम्पल दिया था तुमको, वो शेप देने के लिए साचा मोदक के लिए एग्जाम्पल दिया था। जॉब चार्जेस पेड टू द जॉब वर्कर, तो हाँ तो जॉब चार्जेस पेड टू द जॉब वर्कर, ये क्या होता है, अपना अगर एम्प्लॉय रहा तो ये ऊपर आता एम्प्लॉय कॉस्ट में। जॉब चार्जेस मतलब ये अपने एम्प्लॉय ने काम नहीं किया, किसी और ने काम किया। जैसे तुम्हारे घर के अंदर नहीं, घर के अंदर का नहीं एग्जाम्पल, फैक्ट्री के अंदर, अगर तुम्हारे फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, उनको अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो हो गया उनका सैलरी पेमेंट। बट अगर तुम्हारे फैक्ट्री के अंदर पाइपलाइन खराब हो गई, पानी बाहर निकल रहा, तो प्लम्बर को बुलाए और प्लम्बर ने काम किया, प्लम काम करने के बाद उसको 500 रुपए दिए प्लम्बर को। अब ये प्लम्बर को जो 500 रुपए काम करने के दिए, ये उनके लेबर वर्क के लिए दिए कि नहीं? यस लेबर वर्क के लिए दिए, बट वो अपने कंपनी का एम्प्लॉय है क्या? नहीं है। तो अगर अपने कंपनी का एम्प्लॉय होता तो डायरेक्ट लेबर में आता, वो अपना कंपनी का नहीं है, वो बाहर का है, इसके वजह से वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया। ठीक है, तो इसलिए जॉब वर्क मतलब तुम बाजू में लिख के रखो, प्लम्बर मतलब तुमको बाद में कभी तो ध्यान में आ जाएगा। हाँ, तो मतलब वो कंपनी का एम्प्लॉई नहीं है, तो स्टार्टिंग के पेज पे लिखो जॉब चार्जेस पेड टू द जॉब वर्कर डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो अपना एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि वो अपना एम्प्लॉय नहीं है। सर अपना एम्प्लॉय नहीं है तो कॉस्ट क्यों लिए? कॉस्ट तो है ना, पैसे तो दे रहे ना उसको 500 रुपया। हो गया, प्लम्बर एग्जाम्पल लिख दो। नेक्स्ट, वर्क्स ऑब्लिक फैक्ट्री ओवरहेड, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स वगैरह अभी तुमको समझ में आ गए। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फैक्ट्री, फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी खर्चे है सब फैक्ट्री ओवरहेड में आते। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP, सैलरी पेड टू द सुपरवाइजर, एक्सपेंसेस पेड ऑन पोल्यूशन कंट्रोल, ये अपना पहले भी एक क्वेश्चन में आया था किधर, तो पोल्यूशन कंट्रोल। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग WIP। नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, अभी क्वालिटी एक्सपेंसेस पेड फॉर अ क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज, ये तो क्वालिटी कंट्रोल का हो गया। अपने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में देखा था चार चीजें आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन के, वहां पे क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रीलिमिनरी पैकिंग, लेस स्क्रैप। ठीक है, तो सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, तो ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए चल रहा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो रिसर्च डेवलपमेंट जैसे का वैसा बोला था। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक्सपेंसेस पेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क एंड सैलरी पेड टू द प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, ये तो इधर आना चाहिए। अभी इसके लिए एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, तो ये तुम जनरल में भी लेके आ सकते थे। एक मिनट, जनरल है क्या इधर? हाँ, तो ये तुम जनरल में भी लेके आ सकते थे, कोई इशू नहीं है। तुमको कन्फ्यूजन हुआ तो ऐसा एक आधा एग्जाम में ऊपर नीचे हुआ तो ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन खुद हो के कन्फ्यूजन में है तो अपन ये नहीं करना। हाँ, बट अगर ये डिक्टो क्वेश्चन अगर एग्जाम में छपा, तुमको डिक्टो आंसर भी लाना है। ठीक है, हाँ। नाउ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ वेस्ट, यहाँ पे याद रखना, मैं तुमको एक नोट भी लिख के दिया वाला हूँ। क्या लिख के दिया था?
अगर यहाँ पे वर्ड मटेरियल आता था, स्क्रैप ऑफ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के वहां पे जाता था। मटेरियल का वर्ड आया क्या? नहीं, इसलिए इधर से। एड प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, एड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, रिपेयर मेंटेनेंस एंड व्हीकल्स, सैलरी टू मैनेजर एंड फाइनेंशियल अकाउंट, सैलरी ब्ला ब्ला, तो ये सब जनरल खर्च। हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर जैसे डायरेक्टर। अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं? जो कंपनी से लेन देन नहीं रखते, मतलब इंटरनल कामों में, बाहर का। एक जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल के अपॉइंट किया जा सकता है। अभी कैसा होता है कि कोई बाहर का भी इंसान होना अपने पास जो ध्यान दे के करे अपने लिए। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वैसे लोग होते हैं जो बाहर के होते हैं। अगर अंदर का रहा तो अंदर की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता। इंडिपेंडेंट रहा तो वो बोलता मुझे अंदर की पॉलिटिक्स से कुछ लेन देन नहीं है। तो ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। तो बाहर आते सिर्फ बोर्ड मीटिंग में आते, वो दिन भर के काम काजों में इन्वॉल्व नहीं होते। वो कब काम आते? सिर्फ बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग में आना, जो भी डिस्कशन चल रहा वो ध्यान देना, अगर कुछ लगा तो बोलना, अदरवाइज नहीं बोलना। अगर सपोज तुम फ्यूचर में जाके तुम टाटा कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए, तो तुमको टाटा मोटर्स के अंदर सपोज कुछ डिस्कशन चल रहा है, यहाँ से बॉन्ड लाएंगे, यहाँ से ये करेंगे, और तुमको लग रहा है कि ये सही है तो बोलो, नहीं तो लोन ले रहे, बोले इतना ज़्यादा लोन मत लो, प्रॉब्लम में आ जाते, तो तुम इसे एडवाइस दे पाएंगे। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो लोग हैं। रिपेयर मेंटेनेंस पे टू द सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, सेल्स ऑफिस है इसकी वजह से वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में गया। सैलरी पे टू द मैनेजर एंड सेल्स मार्केटिंग, क्योंकि वो सेल्स वर्ड आ गया इसके अगेन, यहाँ पे सेल्स स्टाफ अगेन सेलिंग में आ गया। एग्जाम के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक हेडिंग बना के एक साथ लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब इसमें से कौन से आइटम में इशू है वो बोलो। कोई ऊपर अभी तक के आइटम में किस में इशू है? एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम झालं।